सुप्रभात बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में भारत की खोज के ही अंतर्गत नए पाठ की ओर अग्रसर होते हुए युगों का दौर पाठ से कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर पर नजर डालते हैं। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर। मौर्य वंश के साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश का शासन कायम हुआ था? सुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, चौहान वंश। सही उत्तर होगा सुंग वंश का। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में कहां से कहां तक बाक्त्री या भारतीय यूनानी राज्य फैल रहे थे? पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक, पंजाब से मध्य एशिया, मध्य एशिया से पंजाब, काबुल से पंजाब। सही उत्तर होगा काबुल से पंजाब तक। अगला प्रश्न हमारा, राजा मिलिंद कौन था? चीनी, तुर्की, यूनानी, ईरानी। सही उत्तर होगा यूनानी। अगला प्रश्न, राजा मिलिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? मेनांडर, नागार्जुन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा मेनांडर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत के मध्य प्रदेश में सांची के पास बेशनगर में स्थित ग्रेनाइट पत्थर की लाट से किसके भारतीयकरण की झलक मिलती है? चीनियों, यूनानियों, ईरानियों, तुर्कों। सही उत्तर होगा यूनानियों। अगला प्रश्न, भारतीय सीरियन, यूएचियों, ईरानी, तुर्की आदि विभिन्न संस्कृतियों का परस्पर मेल कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, कन्नौज विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। सही उत्तर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन कौन था? यूनानी, चीनी, भारत का नेपोलियन, बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के महान विद्वान। सही उत्तर होगा बौद्ध शास्त्रों तथा भारतीय दर्शन के महान विद्वान। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को किसने विजय दिलाई थी? नागार्जुन, महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त, राजा मिलिंद। सही उत्तर नागार्जुन ने।